मायर को देखा आपने? कितना फिक्रमंद हो रहा था अनाया के लिए। मुझे लगता है कि उसने इस कमजोरी का ढोंग ही मायर के करीब आने के लिए किया है। जरा से चक्कर क्या आ गए, मायर कैसे उसको संभालने में लग गया? मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि वो इस घर में क्या कर रही है। आप उसको निकालें यहाँ से फौरन। कैसे निकालूं उसे घर से, बेहोश पड़ी है वो। मायर ने डॉक्टर को बुलाया है, जैसे ही होश में आएगी वो खुद उसे जाने के लिए कह देगा। मुनीजे, क्या तुमने मुझ पर मायर का भरोसा नहीं देखा? जो कुछ उस लड़की ने मेरे खिलाफ उगला है, मायर उसे कभी माफ नहीं करेगा। You will see. यही प्रॉब्लम है आपका। आपको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि मायर का भरोसा आप पर कायम है। आप अपनी इस खुशी में वो नहीं देख पा रही जो मैं देख रही हूँ। अनाया के लिए मायर की मोहब्बत जो इस घर से जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई, बल्कि शायद और बढ़ गई है। मुझे लगता है मायर का रवैया अनाया की तरफ नफरत का नहीं है, गुस्से का है। वरना जो इंसान आपकी नजरों से गिर जाए उसको जमीन से उठाने की क्या जरूरत है? मैं मायर के पास जाता हूं। वो शख्स जिसकी शफकत में मैं पली बड़ी, तेरा बाप इस दुनिया से चला गया, मैं जिंदा। जिस तरह से तड़प तड़प के मेरे बाबा इस दुनिया से गए, मैं भूल नहीं सकती। हाँ शाहजर, बोलो। मायर, क्या सवेरा तुम्हारी तरफ आई थी? क्या जब से आई है रूम बंद करके रखा हुआ है, तब से रोई जा रही है वो। नहीं बाप, लेकिन हुआ क्या है? यार पता नहीं उसे क्या हुआ है, काफी हर्ट लग रही है वो। अच्छा तुम फिक्र ना करो, बस मैं आ रहा हूँ। क्या बात है बेटी, परेशान लग रहे हो, खैरियत? नहीं मैं ठीक है सब, मैं बस आता हूँ। बताओ ना मायर, ये खुदाया क्या मुसीबत आ गई है।